हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं सुपरमैन का कंपैरिजन ब्लू मार्वल से और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें सुपरमैन के ओरिजिन की, तो सुपरमैन का असली नाम होता है काल एल और काल एल का जन्म हुआ था प्लैनेट क्रिप्टॉन पर। लेकिन एक दिन प्लैनेट क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन क्रिप्टॉन प्लैनेट के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही सुपरमैन के असली पिता जॉर-एल काल एल को एक स्पेसशिप में रख देते हैं और स्पेसशिप को अर्थ की तरफ रवाना कर देते हैं, और इसलिए सुपरमैन को लास्ट सन ऑफ क्रिप्टॉन भी कहा जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वो स्पेसशिप प्लैनेट अर्थ पर क्रैश हो जाती है और केंट फैमिली को उस शिप में एक छोटा सा बच्चा मिल जाता है, और बाद में मार्था केंट काल एल को अडॉप्ट कर लेती है, और तब काल एल को मिला एक नया नाम जो कि था क्लार्क केंट। लेकिन जब क्लार्क केंट बड़ा होता है तब उसे ये पता चलता है कि वो प्लैनेट क्रिप्टॉन से है, और इसलिए वो एक नॉर्मल ह्यूमन से इतना ज़्यादा पावरफुल है, और इसलिए क्लार्क केंट डिसाइड करता है कि वो अपने ये पावर्स ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करेगा। और टाइम के साथ सुपरमैन को उसका सूट भी मिलता है जिस पर एस यानी होप का साइन था, और जब लोगों को पता चलता है कि एक सुपर ह्यूमन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है तब काल एल को मिला एक नया नाम जो कि था सुपरमैन। तो अब अगर बात करें ब्लू मार्वल के ओरिजिन की, तो ब्लू मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहली बार अपीयर हुआ था द लेजेंड्स ऑफ द ब्लू मार्वल के इशू नंबर 1 में, और ये कॉमिक्स पब्लिश हुई थी नवंबर 2008 को, और इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था केविन ग्रेवियोकस ने। तो अगर बात करें स्टोरी की, तो ब्लू मार्वल का असली नाम होता है एडम ब्रशेर, और ब्लू मार्वल बनने से पहले एडम एक साइंटिस्ट था जो कि एंटी मैटर एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन एडम का बनाया हुआ नेगेटिव रिएक्टर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग उस लैब में थे वो सब लोग डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। पर इतना बड़ा धमाका होने के बावजूद एडम और एक कर्नल इस धमाके में भी सर्वाइव कर जाते हैं। पर जब कर्नल को लगने लगा कि इस धमाके से एडम भी मर सकता है, तब एडम को बचाने के चक्कर में कर्नल भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। लेकिन इस एक्सप्लोजन की वजह से एडम अब एक सुपर ह्यूमन बन चुका था, और क्योंकि उस टाइम US में रेसिज्म काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे था, इसलिए एडम अपने लिए एक सूट और मास्क बनाता है और अपना नाम रख देता है ब्लू मार्वल। स्पीड। तो अगर बात करें ब्लू मार्वल के स्पीड की, तो ब्लू मार्वल के पास है साउंड की स्पीड, जिससे ब्लू मार्वल अर्थ से मून पर कुछ ही सेकंड्स में पहुंच सकता है। साथ ही अगर ब्लू मार्वल अपनी फ्लाइंग एबिलिटीज़ को उसके फुल पोटेंशियल पर यूज़ करता है तो ब्लू मार्वल सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। लेकिन ब्लू मार्वल लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है या नहीं, ये बात अब तक मार्वल ने रिवील नहीं की है। तो स्पीड के मामले में सुपरमैन भी कुछ कम नहीं है। तो अगर सुपरमैन अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करता है तो साउंड की स्पीड को भी बड़ी आसानी से बीट कर सकता है, पर अगर सुपरमैन वैक्यूम या आउटर स्पेस में ट्रैवल करता है तो सुपरमैन लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। स्ट्रेंथ। तो अगर बात करें सुपरमैन के स्ट्रेंथ की, तो सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, हीलिंग पावर, हीट विजन, एक्सरे विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, सुपर ब्रेथ, विंड ब्रेथ, फ्रीज ब्रेथ, सुपर ह्यूमन हियरिंग और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। सुपरमैन के बॉडी सेल्स क्रिप्टोनियन स्पेशीज से बने हुए हैं, इसलिए सुपरमैन येलो सन की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। सुपरमैन ने एक बार अपने फिजिकल पावर से मल्टीपल प्लैनेट्स को भी पुल किया है। साथ ही सुपरमैन ने अपने एक स्नेस से एक सोलर सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय किया है। तो अब अगर बात करें ब्लू मार्वल के स्ट्रेंथ की, तो ब्लू मार्वल के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट स्पीड, हीलिंग पावर, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, लाइट कंट्रोल, माइक्रोस्कोपिक विजन, इनान सेंसेस, एंटी मैटर मैनिपुलेशन और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। एडम को US मरीन्स ने हैंड टू हैंड फाइट की ट्रेनिंग दी है, जिसकी वजह से ब्लू मार्वल को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही एक बार कॉमिक्स में नेमोर ने कहा था कि ब्लू मार्वल के पंच में जितनी ताकत है उतनी ही सेम ताकत थॉर के पंच में है। ड्यूरेबिलिटी। तो अगर बात करें ब्लू मार्वल के ड्यूरेबिलिटी की, तो ब्लू मार्वल के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जिसकी मदद से ब्लू मार्वल मून को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। ब्लू मार्वल ने बस अपने एक पंच से सेंट्री को अनकॉन्शियस कर दिया था, जिससे सेंट्री सीधे स्पेस में चला गया था। साथ ही ब्लू मार्वल ने एक हाइड्रोजन बॉम्ब को भी अपने हाथों में ही ब्लास्ट किया है, पर इसका भी ब्लू मार्वल पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो अब अगर बात करें सुपरमैन के ड्यूरेबिलिटी की,
तो सुपरमैन इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि प्लैनेट अर्थ के किसी भी वेपन का असर उस पर नहीं होता। साथ ही सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने डार्क साइड की ओमेगा बीम्स का भी सामना किया है, और सुपरमैन ने एक बार अपने हाथों में एक ब्लैक होल भी पकड़ लिया था। वीकनेसेस। वैसे तो सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे सुपरमैन भी नहीं बच सकता, जैसे क्रिप्टोनाइट, रेड सन, मैजिक अटैक्स, टेलीपैथिक अटैक्स, वायरस एक्स, लेड और कुछ हद तक न्यूक्लियर अटैक्स भी। तो अब अगर बात करें ब्लू मार्वल के वीकनेसेस की, तो वैसे तो ब्लू मार्वल की कोई भी फिजिकल या मेंटल वीकनेस नहीं है, पर इस यूनिवर्स में एक ऐसा एलिमेंट है जिससे ब्लू मार्वल भी नहीं बच सकता, और उस एलिमेंट का नाम है न्यूट्रोनियम, जो कि एक अननोन एक्सोस्पेस एलिमेंट है, और इस एलिमेंट का यूज़ करके ब्लू मार्वल को मारा जा सकता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो सुपरमैन और ब्लू मार्वल ये दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, और कई लोगों का ये कहना है कि ब्लू मार्वल सुपरमैन की एक कॉपी है, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। तो अगर बात करें स्पीड की, तो स्पीड में सुपरमैन ब्लू मार्वल से आगे है, क्योंकि सुपरमैन लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, पर अब तक हम ये बात नहीं जानते कि क्या ब्लू मार्वल लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर भी सकता है या नहीं, तो इसलिए करंट बेसिस पे सुपरमैन ब्लू मार्वल से आगे है। स्ट्रेंथ में भी सुपरमैन ब्लू मार्वल से आगे है, क्योंकि जहाँ ब्लू मार्वल अपने फुल पावर से बस प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने की ही ताकत रखता है, वहाँ सुपरमैन बस अपने एक स्निच से पूरे सोलर सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। ड्यूरेबिलिटी में ब्लू मार्वल सुपरमैन से आगे है, क्योंकि ब्लू मार्वल ने बस अपने एक पंच से सेंट्री जैसे ओवरपावर सुपर हीरो को भी अनकॉन्शियस कर दिया था, जो कि एक बड़ी बात है। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद, अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो, तो मेरा वोट या सुपरमैन के साथ है। तो अब आप बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस बैटल का विनर आखिर कौन होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ़।